मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिजिक्स बडीज चैनल में आप सबको वेलकम कहता हूँ। मैं हूँ आपका फिजिक्स बडी हमजा हमजा। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, जिसके पहले चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स। आपने अक्सर देखा होगा फिजिक्स की कई बुक्स हैं जिनके अंदर चैप्टर वन जो होता है ना, वो मोस्टली कैलकुलेशंस होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, यहाँ से समझ लें कि कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करवाने वाली होती हैं, जो कि ऑल दो आपको पता होती हैं, लेकिन फिर भी पहला चैप्टर आप लोग स्किप कर देते हो कि भाई पेपर में इसमें से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, नो डाउट काफ़ी चीज़ें पेपर में इसमें से नहीं आती, लेकिन अगर हम मेजरमेंट्स, अगर यहाँ जनरल कोई फिजिक्स की बुक पढ़ रहे हैं आप, उसका भी नाम होगा मेजरमेंट्स या फिजिकल वर्ल्ड। असल में इस चैप्टर के अंदर होता तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से यह चैप्टर हमें रूल्स देता है, रूल्स। अब वो क्या है, देखिए, अगर आपने कोई गेम खेलनी है, जब तक आप उस गेम के रूल्स नहीं पता होंगे ना, तो आपके चांस बहुत कम है कि आप वो गेम जीत सको। सेम इधर है, ये जो पहला चैप्टर है ना, ये फिजिक्स के रूल्स बताता है, और अगर आपको ये रूल्स पता हैं तो काफ़ी हद तक चांस है कि आप फिजिक्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। इस चैप्टर का जो भाई पहला टॉपिक है ना, टॉपिक 1.1, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। लेकिन हम ये जो टॉपिक है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का जो मेरा इरादा है आपको पढ़ाने का, उसमें हम पढ़ेंगे इसका प्री इंट्रो या इंट्रो टू साइंस। तो फिजिक्स जानने से पहले ना, हमें साइंस जानने की ज़रूरत है कि साइंस क्या है, कब बनी, कैसे बनी। जब से इंसान ने अपना होश संभाला है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को सीखा है, समझा है, उसने बहुत सारी चीज़ों को, नेचर के पैटर्न को समझने की कोशिश की है, और ये इंसान की साइकोलॉजी है, वो अपने माहौल में जिस चीज़ों को देखता है, उन्हें ऑब्जर्व करता है, उन्हें सोचता है, और उनके पीछे की रीज़न ढूंढता है कि भाई क्या वजह है, क्यों, कैसे। ये अभी इसकी सादा सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा बच्चा है, आप उस छोटे बच्चे को एक कोई टॉय ला के दे दो, आप देखोगे तीसरे से या चौथे दिन तक ना, वो टॉय बिल्कुल तोड़ दिया होगा उस बच्चे ने। उसके पीछे की रीज़न क्या है कि वो देखता है यार इस टॉय के अंदर क्या चीज़ है जो इस टॉय को मजबूर करके वो ये काम करे। लाइक अगर कोई कार है तो वो देखेगा कार के अंदर व्हील्स हैं, उनके अंदर क्या मशीनरी है, या वो छैया छैया वाला मोबाइल है कि उसके अंदर वो गाने रिपीट क्यों होते हैं, क्या वजह है, सारा सर्किट आपको खोल के दे देगा, क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी। और सेम साइकोलॉजी तब जब इंसान, स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ, जब स्टार्टिंग से बिग बैंग थ्योरी के बाद की चीज़ें, इंसान इन चीज़ों को समझा, और समझने के बाद इंसान की इस काविशों के बाद इंसान ने एक इन कलेक्शन से एक सिंगल डिसिप्लिन बनाया फिलॉसफी का। अब फिलॉसफी क्या है, उस जमाने में थिंकिंग को फिलॉसफी बोला जाता था, और जो लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग करते थे उन्हें फिलॉसफर बोला जाता था। उस जमाने की फेमस पर्सनैलिटीज है हमारे पास, जैसे अरिस्टोटल है। अरिस्टोटल का नाम आपने सुना होगा, से अरस्तु बोलते हैं, ये जनाब सिकंदर आजम के टीचर थे। गलीलियो, और भी एक नाम सुना हो मेरी आपने, क्या कहते हैं, आर्शिमिडस, काफ़ी ऐसे फिलोसफर्स हैं, इनके नाम आपने सुने होंगे। और जो इंसान की फिलॉसफी से उस ज़माने में जो सिंगल डिसिप्लिन बना, उस सिंगल डिसिप्लिन का नाम पड़ा नेचुरल फिलॉसफी। कोई बता सकता है नेचुरल फिलॉसफी क्यों बना? उसके पीछे की रीज़न है, वो रीज़न ये है कि उस वक्त इंसान जब इन चीज़ों को स्टडी कर रहा था, तो उस वक्त के माहौल में जो डिसऑर्डर्ड पैटर्न में चीज़ें इंसान ऑर्डर्ड फॉर्म में लाया, वो कुदरती चीज़ें थी। तो इंसान के पास आर्टिफिशियल स्टडी करने के लिए चीज़ें नहीं थी जो मैन मेड चीज़ें हैं, बल्कि वो चीज़ें जो कुदरत ने बना रखी हैं। तो इसलिए उस ज़माने में जो फिलॉसफी थिंकिंग की गई, वो नेचुरल चीज़ों पर गई थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया नेचुरल फिलॉसफी। और ह्यूमन हिस्ट्री अगर आप देखें, तो ह्यूमन हिस्ट्री के तीन इराज हैं, जिसका आप कहते हो एजिस। इसमें सबसे पहली एज जो है वो आपको मे भी पता हो, स्टोन एज,
सेकेंड ब्रॉन्ज एज एंड द थर्ड वन आयरन एज। ये हमारी जी करंट एज है या करंट एरा है जिसमें हम अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। सबसे पहली है जी स्टोन एज। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्यों डिवाइड की, तो आप खुद सोचो, जब इंसान ने नेचुरल फिलोसफी देखी तो उसने देखा यार ये जो लकड़ी है ये तो बड़ी नरम है, ये इसको आग भी लग जाती है, लेकिन जो स्टोन है हार्ड है फिर आग भी नहीं लगती। इस तरह की चीज़ें इंसान ने स्टोन से बनाई, अपने खाने पीने के बर्तन वगैरह, अगर हम लिविंग की बात करें, वेपन्स वगैरह वो स्टोन से बने। लेकिन कुछ अर्से के बाद इंसान शिफ्ट हुआ ब्रॉन्ज पे। क्यों? ब्रॉन्ज वजन में हल्का है स्टोन से, काम वही करता है अच्छे तरीके से करता है। वजन देन फिर इंसान कन्वर्ट हुआ किस पे? आयरन एज पे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग नेचुरल फिलोसफी। लेकिन कुछ अर्से के बाद ये जो वर्ड नेचुरल फिलोसफी है ना, इस फिलोसफी का नाम कुछ अर्से के बाद क्या बना? साइंस। अच्छा जी, अगर साइंस को मैं बात करूं तो साइंस है, साइंस इज द बॉडी ऑफ नॉलेज दैट डिस्क्राइब द रेगुलरिटीज या ऑर्डर ऑफ द नेचर एंड द रीजन ऑफ दैट ऑर्डर। कि भाई ये कायनात में जो ऑर्डर है, एक पैटर्न है, सूरज इस टाइम पे आएगा, चांद इस टाइम पे आएगा, ये मौसम अब आएगा, ये मौसम तब आएगा, ये ऑर्डर, और इसके पीछे की रीजन कि क्यों। अब हमें पता है कि सूरज जो है वो कब आता है कब जाता है, हालांकि सूरज नहीं आता, अर्थ रिवॉल्व करती है जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। तो ये वो ऑर्डर बना और उसके पीछे की रीजन कि अर्थ की रिवॉल्व होने की वजह से हमारा दिन और रात का बदलना, ये क्या चीज है? ये उसकी रीजन है। फिर हमारे पास साइंस कब शुरू होती है? साइंस तभी शुरू होती है जब इंसान ने कुदरत के अंदर के रेगुलरिटीज एंड रिलेशनशिप ऑफ नेचर, यानी कि कुदरत के रिलेशनशिप और रेगुलरिटीज को जानने की कोशिश की ना, तो तब से भाई साइंस स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं साइंस को डिफाइन करूं तो आप में से कोई बंदा साइंस को डिफाइन कर सकता है? साइंस इज द वे ऑफ नोइंग द वर्ल्ड। नोइंग द वर्ल्ड एंड मेकिंग सेंस ऑफ इट। के भाई आपने वर्ड को जानना है प्लस उसकी सेंस बनानी है, सेंस मीन रीजन। अच्छा, क्या आपने से कोई बंदा इस साइंस के वर्ड को एक सिंगल वर्ड में एक्सप्लेन कर सकता है, ये साइंस के वर्ड को सिंगल वर्ड? तो मैं यहां पर साइंस के इस वर्ड को एक सिंगल वर्ड में एक्सप्लेन करूंगा, लॉजिक। ये लॉजिक है। लॉजिक क्या है? कि अगर आपको किसी चीज का लॉजिक पता लग जाता है, आपको उसकी साइंस पता लग जाती है। अब सिंपल सी, अगर आप में से कोई बंदा एग्जांपल लेता है, जैसे कि अगर हम कुदरत की एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं भाई आज, जैसे पुराने बुजुर्ग हमारे हैं वो कहते हैं कि भाई आज आंधी आएगी या आज बहुत तेज हवा चलेगी। अब उसके पीछे की रीजन साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है यहाँ पर प्रेशर डाउन हो गया और किसी जगह पर प्रेशर हाई है, तो वहां से हाई लेवल से लो लेवल की तरफ हवा बड़ी स्पीड से चलेगी, जिसको हम आंधी या तूफान की सेंस कहते हैं। तो ये उसके पीछे का लॉजिक है, और हमें लॉजिक पता चला, हमें उसकी साइंस पता चली। अब साइंस के अंदर अगर हमने किसी भी चीज को सॉल्व करना है और हमें नहीं पता कि उसकी साइंस क्या, तो उसके लिए हम जो ट्रिक यूज करते हैं, हम उसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड्स। अब ये जो साइंटिफिक मेथड्स है ना, इनके कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या? सबसे पहला है, आप उस सिचुएशन को समझो। इधर सिचुएशन को मैं नाम ले लेता हूँ पजल, के पजल को आपने क्या करना है? अंडरस्टैंड। देखो ना, जो चीज़ है आपको पता ही नहीं है क्या है, तो आपके लिए तो एक किस्म की पजल है ना, आपने क्या करना है? उसे अंडरस्टैंड करना है। साइंस कहती है अब आपने एक गैस लगाना है, तुक्का लगाना है कि भाई ये क्या है। सिंपल सा तुक्का होता है ना, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में तुक्के लगाते हैं, तो वो सिंपल सा एक तुक्का गैस। लेकिन साइंस इस गैस का नाम लेती है साइंटिफिक
गैस, और इस गैस को साइंस नाम देती है हाइपोथेसिस। फिर तुक्का लग गया तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट के बाद आपने उस हाइपोथेसिस की कॉन्सिक्वेंसेस देखनी है कि यार अगर इसी हाइपोथेसिस को हम इस पर दोबारा लगाएं, किसी और वे से लगाएं, किसी और वे से लगाएं, क्या ये सक्सेसफुल होती है या नहीं, के कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है जी, चौथा पॉइंट, फाइनल पॉइंट हमारा क्या हो देगा कि कॉन्सिक्वेंसेस आ गई। उसके बाद फाइनल पॉइंट में हमने देखना है कि कॉन्सिक्वेंसेस के रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं। अगर तो हमारे रिजल्ट हर बार सेम आ रहे हैं, डिफरेंट फैक्टर्स पर रिजल्ट बार बार सेम हाइपोथेसिस रिजल्ट दे गया, तो हमारी कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि हमारी हाइपोथीसिस जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो हम इस पर ध्यान क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, जब भी हम यह हाइपोथेसिस बनाते हैं ना, तो असल में हम उस चीज को क्या बोलते हैं, एक फैक्ट। क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा, साइंस इज अ फैक्ट। अगर तो हमारी हाइपोथेसिस जो हमने की थी वो एक फैक्ट है, और उसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस जो है हम बार बार सेम रिजल्ट देती हैं, सेम आंसर देती हैं, तो हम कहते हैं ये जो चीज़ है ये एक थ्योरी बन गई है। जैसे कि आपने कई थ्योरीज पढ़ी होंगी, जैसे बिग बैंग थ्योरी है, या इससे रिलेटेड एनर्जी बैंड थ्योरीज, हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ये सारी थ्योरीज है। जैसे कि जो थ्योरी है हमारे पास, ये थ्योरी गलत भी हो सकती है, ये थ्योरी ठीक भी हो सकती है। ये थ्योरी कंफर्म नहीं होती कि अगर ये थ्योरी बन गया तो ये वाकई चीज़ 100% ऐसे ही एक्यूरेट काम करेगी, नहीं, ये कभी भी चेंज हो सकती है। अगर कोई थ्योरी आई है और उससे रिलेटेड कुछ अरसे बाद कोई कॉम्पिटेंट साइंटिस्ट यानी कि जो कम्युनिटी है, साइंटिस्ट कम्युनिटी, उससे अच्छी थ्योरी को चेक करती है और वो कहती है यार ये इससे ज़्यादा बेटर है, तो वो थ्योरी अपना ली जाती है, एक्सेप्ट कर ली जाती है, ये रिजेक्ट हो जाती है। जैसे कि कभी ये सोचा जाता था, एरिस्टोटल ने कहा था कि जो आपकी स्पीड है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की, वो डायरेक्टली है उस ऑब्जेक्ट के वेट के, कि भाई अगर ज़्यादा वजनी ऑब्जेक्ट हम कहीं से फेंकें, किसी हाइट से, किसी बिल्डिंग से, तो वो ज़्यादा स्पीड से आएगा, और अगर हल्का ऑब्जेक्ट किसी बिल्डिंग से फेंकें वो कम स्पीड से आएगा। लेट्स सपोज आप में से कोई बंदा छत से जाकर एक बड़ा पत्थर फेंकता है, तो वज़न ज़्यादा है तो आपको वो भाई स्पीड ज़्यादा है, और एक कोई बंदा उधर से ही जाकर एक छोटा कागज़ का टुकड़ा फेंकता है, वज़न कम है तो आपको कम स्पीड से, नहीं, ये एक्सेप्ट की गई उस ज़माने में, क्योंकि फिलोसफर था नहीं थे। लेकिन बाद में गलीलियो ने कहा कि जो स्पीड है वो डायरेक्टली नहीं है किसके, वेट के, यानी कि ये थ्योरी उसने रिजेक्ट की। उसने कहा कि अगर हम एक ही हाइट से डिफरेंट मैसेस को या डिफरेंट वेट वाली बॉडीज़ को फेंके तो वो सारे सेम स्पीड से ज़मीन पर आकर गिरेंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो ये थ्योरी एक्सेप्ट कर लेगी, अरिस्टोटल की थ्योरी रिजेक्ट कर देगी। अच्छा, अगर किसी थ्योरी के ऊपर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर लें और एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो थ्योरी वेरीफाई हो जाए, यानी कि वाकई में ही ऐसे होता है और एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो वो थ्योरी थ्योरी नहीं रहती बल्कि क्या बन जाता है, लॉ या प्रिंसिपल। आपने फेमस सुने होंगे जैसे लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, चार्ज, ये, या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि ये वेरीफाइड एक्सपेरिमेंट है कि बाकी चीज़ें ऐसे बिहेव करती हैं। लॉ के बहुत कम चांस होते हैं कि ये चेंज हो सकता है, लेकिन थ्योरीज के काफ़ी हद तक चांस होता है ये चेंज हो सकता है। जो साइंस है ना भाई, साइंस हमें कहती है हाउ एंड वाई, कि थिंग्स कैसे बिहेव करती हैं, क्यों बिहेव करती हैं। यहाँ पर काफ़ी चांस होता है कि साइंस के अंदर आपके 100 एक्सपेरिमेंट्स या 100 थ्योरीज किसी एक चीज़ को वेरीफाई कर दें कि भाई ये ठीक है, लेकिन अगर एक भी एक्सपेरिमेंट उस थ्योरी को गलत कर देना, तो हम कहते हैं वो थ्योरी गलत होगी। साइंस में ये इम्पोर्टेंट है कि क्या आइडिया जो थ्योरी को क्या कर सकता है, रॉन्ग कर सकता है, देन प्रूविंग इट राइट, कि भाई क्या आइडिया है जो किसी थ्योरी को रॉन्ग कर सकता है, नहीं, रॉन्ग, राइट नहीं, रॉन्ग कर सकता है कि वो राइट ना हो।
है ना मजे का क्वेश्चन कि क्या आपने ऐसी ऐसा कोई आइडिया ढूंढना कि वो इस थ्योरी को गलत करे बनिस्बत के उसको सही करने के। फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने बोला नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैन प्रूव मी राइट बट अ सिंगल वन कैन मेक इट रॉन्ग। कि भाई बहुत एक्सपेरिमेंट आपको साबित सही कर सकते हैं कि आप सही हो, आपका एक्सपेरिमेंट, आपका थ्योरी, आपका प्रिंसिपल कानून सही है, लेकिन एक सिंगल एक्सपेरिमेंट आपको गलत कर सकता है, और वही वो एक्सपेरिमेंट होता है जो आपको सही डायरेक्शन की तरफ लेके जाता है कि आपका लॉ कहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा। ये था कुछ इंट्रोडक्शन। अब हुआ क्या कि जब हमारा वो सिंगल डिसिप्लिन साइंस नेचुरल फिलोसफी बना साइंस, तो लोगों ने अपनी अपनी फील्ड में वर्क करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ अर्से बाद हमें कंप्लेंट्स आनी शुरू हुई कि भाई एक बंदा कहता था सर मैंने तो प्लांट्स को डिस्कस करना है तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं पत्थरों को डिस्कस करूँ। एक बंदा और आ गया कहता सर मैं तो एनिमल्स को डिस्कस करूँ यानी कि जोलॉजी को, तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं लाइट को देखूँ कि भाई लाइट कैसे आती है, कैसा बिहेवियर देती है। तो हमने साइंस का दो हिस्सों में बंटवारा कर दिया, एक हिस्सा बना सिर्फ लिविंग्स के लिए और दूसरा बना नॉन लिविंग्स के लिए। जो हिस्सा लिविंग्स के लिए बना उस हिस्से का साइंटिफिक नेम बाद में पड़ा बायोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंसेस, और जो इस हिस्से में आया इसका नाम पड़ा फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस में जो एक मेजर साइंस है ना, वो एक मेजर साइंस भाई हमारी फिजिक्स है। ये जो फिजिक्स है ना, यही बताएगी कि ये क्या है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पे होगा, और हम देखेंगे कि फिजिक्स में क्या है, कैसे है, क्यों है। हाँ, फिजिकल साइंसेज में और भी साइंसेज हैं लाइक केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, ज्योग्राफी, तो ये, लेकिन हमारा जो मेजर है ना कंसर्न वो ये फिजिक्स है। फिजिक्स का फंडा सबसे चंगा, क्यों अभी ये हमें पता लग जाएगा। फिजिक्स जो है ना, ये है तो लोगों को, कई लोगों को मुश्किल लगती है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जो फिजिक्स है अगर हम इसे समझ कर उन रूल्स के मुताबिक जो मैंने पहले बताया उनके मुताबिक करेंगे ना, तो ये फिजिक्स बड़ी आसान है और आपकी डेली लाइफ में फिजिक्स होगी। सादा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप अभी बैठ कर ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आप रेस्ट में हो, और ये फिजिक्स कहती है। ये बढ़िया था गुरु। अगर आप फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग या इससे रिलेटेड बाकी लेक्चर्स या कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।